नमस्कार। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये घोषणा आ गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि संसद का विशेष सत्र किस बात के लिए बुलाया जाएगा, इस पर कोई बात नहीं हुई। उधर मुंबई में मीटिंग चल रही थी, इधर मीडिया अपने कैलकुलेशंस लगाने में लगी हुई थी। पहले तो ये कहा गया कि RLD उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन जयंत चौधरी वहाँ पर नज़र आए। और भी कई सारी बातें, शरद पवार को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन शरद पवार वहाँ नज़र आए और खूब नज़र आए। तो कुल मिलाजुलाकर एक तरफ विपक्षी दल अपनी एकता की कोशिशों में लगा हुआ है, दूसरी तरफ सरकार क्या सोच रही है ये किसी को पता नहीं है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। एक बात ये चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि UCC लागू कर दिया जाएगा। क्या होगा ये अभी तक अटकलों की बात है। आज 30 मिनट्स विद प्रशांत टंडन में हम बात कर रहे हैं इन्हीं दोनों इश्यूज पे। प्रशांत बंबई गए थे, वहाँ पर थे, उस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कवर किया। और आज उनसे हम जानेंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा था और संसद के विशेष सत्र में क्या क्या होने की उम्मीद है। स्वागत है प्रशांत। तो बड़ा हंगामा खेज रहा पिछला कुछ दिन। अडानी पे रिपोर्ट आ गई, उधर इंडिया की मीटिंग हो गई, राहुल गांधी ने फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और यहां घोषणा हो गई कि संसद का विशेष सत्र होगा। पहले तो यही बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव इंडिया की इस तीसरी मीट में जो बंबई में हुई। इसके पहले आप पटना में भी गए थे, आपने बैंगलोर भी देखा था। इस बार कई सारी कमेटीज की घोषणा की गई है, तो क्या लग रहा है आपको, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है अशोक, वो अब उसका इंजन तैयार हो गया है। अब उसको पटरी पे आना है, यानी अब जनता के बीच जाना है। तो ये बड़े नेताओं की, पार्टियों के अध्यक्षों का जो बंद कमरे में डेलिब्रेशन सम्मेलन पटना और बेंगलोर और मुंबई में भी हमने देखा, अब शायद इस तरीके के सम्मेलन ना हो और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधे फील्ड पे जाएंगे और पहला प्रोग्राम आ भी गया है कि 2 अक्टूबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये लोग शुरू कर रहे हैं, रैलियां या इंगेजमेंट प्लान। दूसरा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इंजन तैयार हो गया, वहाँ कमेटियां बन गई और जो बहुत चर्चा थी, उन कमेटियों की चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत चर्चा मीडिया में स्पेकुलेशन था कि कोई झंडा आएगा, कोई बैनर आएगा, कोई लोगो अनवील होगा, कोई कन्वीनर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस पे बहुत अंदर विचार हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि लोगो है, अब गठबंधन का कोई लोगो या झंडा नहीं होता है। गठबंधन एक लूज कॉन्फेडरेशन होता है, एक समझौता होता है तमाम पार्टियों का। जैसे NDA का भी कोई लोगो या गठबंधन नहीं है, ना UPA का रहा, ना यूनाइटेड फ्रंट का कभी रहा, या दूसरे जो गठबंधन है वो नहीं। तो और वो क्यों नहीं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी साइकिल पे लड़ेगी, उगता हुआ सूरज पे DMK लड़ेगी, हाथ के पंजा पे कांग्रेस लड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस अपने दो फूल पे लड़ेगी। तमाम इस तरीके की पार्टियों के अपने अपने चुनाव चिन्ह हैं और उस पर जाएंगे। तो दो लोगों, दो चुनाव चिन्ह, दो लोगों होंगे, दो चिन्ह होंगे, तो कंफ्यूजन होगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से लोगों की कोई बात आएगी नहीं। और दूसरा, जो कमेटियां बन गई हैं, वो कमेटियां, एक तो कमेटी जो बनी है, जो महत्वपूर्ण कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी, इसमें बड़े नेता रखे गए। सीट शेयरिंग एक्सेट्रा जो बड़ी नीतिगत फैसले हैं वो इस कमेटी में होंगे। इसमें KC वेणुगोपाल हैं, इसमें शरद पवार हैं, इसमें TR बालू हैं, हेमंत सोरेन हैं, संजय राउत शिवसेना से, तेजस्वी यादव RJD से, सभी पार्टियों के बड़े नेता हैं, राघव चड्ढा हैं, नंबर 1 या नंबर 2 स्तर के नेता हैं। लेकिन सीट शेयरिंग पे मैं आगे चर्चा करूंगा, सीट शेयरिंग पे इन नेताओं को मैंडेट नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब अगर समाजवादी पार्टी से अगर आप देखें तो जावेद अली खान है,
अब जावेद अली खान तो सीट कौन सी सीट छोड़नी है कांग्रेस के लिए कौन सी नहीं छोड़नी है इसका फैसला तो अखिलेश यादव ही करेंगे या रामगोपाल यादव करेंगे, बड़े नेता करेंगे। तो ये कमेटी एक बन गई है, एक कैंपेन कमेटी बनी है। इसी कैंपेन कमेटी का देखिए प्रोग्राम आ भी गया, 2 अक्टूबर से कैंपेन शुरू हो रहा है इनका। फिर वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑन मीडिया है, ये सिनर्जीज के लिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना भी एक सिस्टम है, उनके अपने प्रवक्ता हैं, अपना आईटी सेल है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें सिनर्जी क्या हो, कोई एक जैसी बात आए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए कि अब पॉपुलेशन कास्ट सेंसस की बात है, कास्ट सेंसस पर कोई अभी समझौता नहीं हुआ है कि ये स्टैंड होगा कि नहीं। कांग्रेस का है, तमाम पार्टियों का भी नहीं है, आरजेडी का है, जेडीयू का है, वो तो करा ही रहे हैं बिहार में। तो अब इस पे अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट जानी है तो वो सिनर्जी हो कम्युनिकेशन की, कि कंफ्यूजन ना फैले मीडिया को, क्योंकि मीडिया आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरीके से एक ठीक ठाक से चलती हुई मीटिंग में भी किसी की फ्लाइट जल्दी है, कोई मंच पे नहीं आया, तमाम तरीके की बातें वो मीडिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाता है। जैसे पवार साहब के बारे में मैं लगातार कहता रहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा कि पवार साहब आइडियोलॉजिकली कहीं नहीं जाएंगे, बाकी उनकी एक राजनीति का हिस्सा है गुगली फेंकना, वो चलता रहता। तो आप देखिए कि पवार साहब कल थे वहां पे और कंक्लूडिंग स्पीच पवार साहब की हुई। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का इंजन अब जो है, उस इंजन की जो असेंबली है वो मुंबई में पूरी हो गई और अब इसमें जो है आगे फैसले होंगे, जिसमें एक एक रिसर्च कमेटी बनी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च, ये नीतियों के बारे में फैसला करेगा, मैनिफेस्टो, ज्वाइंट कम्युनिके या नीतिगत फैसले, कौन से वादे किए जाएं, ये सारी चीज़ें इस रिसर्च ग्रुप से आएंगी। तो ये सब चीज़ें बन गई हैं, इंजन तैयार हो गया है, अब इसको केवल जाना है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बातें मीडिया में हो रही हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज होकर चली गई, लेफ्ट पार्टीज जो है वो अड़चन डाल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखिए वामपंथी पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन में पटना, बेंगलोर और मुंबई गई तो उनको मालूम है कि उनका जनाधार और उनके इलेक्शन को जो गंभीरता से लड़ते हैं वो 2 राज्यों में लड़ते हैं, वेस्ट बंगाल और केरल, और दोनों जगह पे उनका उन लोगों से टकराव होता है जो इस गठबंधन में बड़े पार्टनर्स हैं उनके। तो ये वामपंथी पार्टियों को मालूम वहां जाने से पहले। तो इसलिए आप देखिए कि ये स्पेकुलेशन ज्यादा है, मुझे लगता है कि अब क्योंकि इतना अर्जेंसी है, क्योंकि वो इस समस्या को समझ रहे हैं कि 2024 में अगर नहीं आए या मोदी जी वापस आ गए तो क्या होगा, जिसके संकेत अभी मिल रहे हैं कि संविधान का, इंस्टीट्यूशंस का, एजेंसियों का दुरुपयोग, मीडिया की हालत, ये हम देख रहे हैं। तो ये जो नेता है, इतने जिम्मेदार नेता है, ये भी समझ रहे हैं। एक बात अक्सर की जाती है कि ऊपर के लेवल पर चलिए गठबंधन बन जाएगा, लेकिन जैसे अब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यकर्ता को कैसे समझाएगी कि वो तृणमूल के पक्ष में वोट दे, वही आपने केरला का कहा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना था तो ये बात कही जा रही थी कि कार्यकर्ताओं का जो वोट ट्रांसफ़र का मामला होता है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो जिस तरह के, मतलब अगर कहा जाए कि एकदम अलग अलग तरह के आपस में चुनाव लड़ने वाले या कई जगहों पर सीधे जो प्रतिद्वंदी हैं वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में वो संदेश जाएगा, कार्यकर्ता का वोट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, इसको लेके आपको क्या लगता है? देखिए कार्यकर्ता अशोक जी कहीं किसी अलग टापू में नहीं रह रहा है, वो भी उतना ही सजग है राजनीतिक रूप से
बल्कि हमसे आपसे ज्यादा सजग रहता है कार्यकर्ता, मैं मिलता हूँ उनको तो बयान भी याद होते हैं किसने कब क्या दिया था। कार्यकर्ता तो निचले स्तर पर उसकी तो रोज चाय की दुकान पे जो है बैठकें होती हैं, रोज उसको लोकल पत्रकार से मिलना होता है, रोज उसको डीएम के यहाँ जाना है, धरने देना है, प्रदर्शन देना है कलेक्ट्रेट में। तो कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से बहुत सजग होता है और मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता भी देख रहा है, क्योंकि मैं देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखिए कि जो मिडिल लेवल नेता है वो तो इधर उधर बहुत जाते रहते हैं, ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी छोड़ के, कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी है। अब मैं अक्सर जाता हूँ फील्ड पे और आप भी काफी घूमते हैं और आप बात कीजिए लोगों से, तो कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी लाइफ लॉन्ग होती है, वो इधर उधर नहीं जा रहे होते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी के टॉप लीडरशिप और कार्यकर्ता, इन दो के अंदर अपनी अपने राजनीतिक दल के प्रति जो वैचारिक समर्पण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हो जाएंगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए जो इंडिया गठबंधन है इसको लेके मोदी जी वाकई चिंतित हैं, और एमके स्टालिन ने हालांकि वो भाषण उन्होंने तमिल में दिया तो बाद में उसका अनुवाद मैंने देखा, तो एमके स्टालिन ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े जो प्रचारक है वो नरेंद्र मोदी खुद है, इंडिया गठबंधन के पीआरओ है, उन्होंने कहा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और सबसे ज्यादा प्रचार इंडिया गठबंधन का मोदी साहब ही कर रहे हैं। तो मोदी साहब की चिंता अपनी जगह है, लेकिन इंडिया गठबंधन अशोक ये गठबंधनों का गठबंधन है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं आएगी सीट शेयरिंग में या उन सिनर्जीज के बारे में जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो चिंता है बहुत से लोगों को चिंता है, मुझे भी चिंता है कि वो कैसे होगा। देखिए ये अलायंसेस का अलायंस है, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में गुप्कर अलायंस है और उसमें पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पहले से है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे एनसीपी पवार शरद पवार और कांग्रेस है। अब वहां चौथी किसी पार्टी का गुंजाइश नहीं है, वो अपने अपने राज्यों की डोमिनेंट अपोजिशन पार्टियों के गठबंधन पहले से हैं। बिहार में महागठबंधन, महागठबंधन बिहार में है या झारखंड में महागठबंधन है ना, तमिलनाडु में एक गठबंधन है, केरल में एलडीएफ यूडीएफ दो गठबंधन है जो कि दोनों अलग अलग रूप से इस बड़े गठबंधन का हिस्सा है, वाम मोर्चा का अपना एक गठबंधन है। तो बहुत सारे जो गठबंधन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और चल रहे हैं, उनके अंदर एक बेसिक असेंबली लेवल पे सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है भी। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई प्रशांत इसमें, एक तो राजशेखर रेड्डी की जो बेटी हैं वो सोनिया गांधी जी से मिलने पहुंची इस मीटिंग के ठीक पहले, दूसरा मैंने देखा कि अनुप्रिया पटेल की माँ जो पॉलिटिकली उनसे अलग पल्लवी पटेल की माँ भी हैं, वो पल्लवी पटेल विधायक हैं वहाँ की, वो इसमें शामिल हुई और बड़े सम्मान से मैंने देखा खड़गे साहब उनको लेके जा रहे थे। तो पेंट्रेट कर रहा है ये गठबंधन, क्योंकि राजशेखर रेड्डी के परिवार से अगर कोई आता है, मुझे उनके परिवार की राजनीति नहीं पता, और पल्लवी पटेल पहले से अलग हैं ये सच्चाई है, लेकिन इंडिया के साथ जाके जिस तरह से खड़े हो रहे हैं तो ये पेंट्रेट कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये चूंकि 26 पार्टियां बेंगलोर में थी, यहाँ 28 थी, और इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी थे। एक सरप्राइज एलिमेंट कपिल सिब्बल थे जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां गए थे, और कपिल सिब्बल की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश देती है, इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मसले सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं जिनका भारत की राजनीति में एक इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसमें कुछ फैसले आते हैं। दूसरी बात, कपिल सिब्बल वो व्यक्ति हैं जो ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव में मोदी जी वापस आ गए तो वो आखिरी चुनाव होंगे, तो ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है वो कपिल सिब्बल की मौजूदगी उसको बढ़ाती है, तो एक अच्छा फैसला है। बहुत से लोगों को लगा होगा कि कपिल सिब्बल तो G20 के G23 के नेता थे,
और गांधी परिवार से नाराज होकर कांग्रेस में गए, लेकिन कपिल सिब्बल गुलाम नबी आजाद से थोड़ा फर्क इस मामले में थे कि कपिल सिब्बल वैचारिक रूप से कभी बीजेपी को उन्होंने इंडोर्स नहीं किया, तो कपिल सिब्बल की मौजूदगी भी थी वहां पे। और मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तक इस गठबंधन का और विस्तार होगा और मोदी जी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा विस्तार हो जाए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक तो इस ये चली रहा था सब कुछ, उसके ठीक पहले अदानी पर दो खुलासे और आ गए, एक ही खुलासा दो जगहों पर आ गया, द गार्डियन में उधर और फाइनेंशियल टाइम में। ये इसकी टाइमिंग को लेके हालांकि किसी ने अभी सवाल नहीं उठाया है, लेकिन इसका अपना क्या असर होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि तुरंत राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी और बड़ी सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यूट्यूब पे तो लगातार वो लाइव चली, अब मीडिया तो जैसे उसको दिखाएगा वैसे दिखाएगा ही। तो ये अदानी के खिलाफ जो लगातार हिडनबर्ग आया, उसके बाद ये हो गया, आगे भी आ सकती है, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, टाइमिंग का मामला पहले मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि ये अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम है इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों का, जो ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये कई देशों का मिला हुआ पत्रकारों का संगठन है। वो उन्होंने 9000 कंपनियों के और फाउंडेशन के डेटा को उजागर किया है, जिसको कहते हैं पेंडोरा पेपर्स। ये पेंडोरा पेपर्स के आधार पर तो उन 9000 कंपनियों में अडानी भी एक हैं जिनके पेपर्स निकले हैं, और ये खासकर उन देशों में इनका इन्वेस्टिगेशन है जिन देशों जिनको माना जाता है कि टैक्स हेवन है, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे स्विट्जरलैंड है जहाँ पे गुप्त बैंक है, सीक्रेट बैंकिंग है वहाँ पे अभी भी, या मैन ऑफ आइल है। तो ये जो तमाम सारे ऐसे कंट्रीज हैं छोटे छोटे जहाँ पे काला धन जिसको कहा जाए या इलीगल मनी वो वहाँ पे रखी जाती है, और वो कैसे वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, लीगली कैसे हो जाए, उसका पूरा एक खेल चलता है। इस खेल को वो ट्रैक कर रहे हैं, तो इसमें 9000 कंपनियां और फाउंडेशन हैं, अडानी अकेले नहीं है। तो उनकी टाइमिंग कोई अडानी के हिसाब से, भारत की पॉलिटिक्स के हिसाब से, इंडिया गठबंधन की बेंगलोर मीटिंग के हिसाब से, मुंबई की मीटिंग के हिसाब से नहीं हो रही है। वो एक ग्लोबल एक्सरसाइज चल रही है, एक बात। दूसरी की जो पेपर्स आए हैं वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को और पुख्ता करते हैं, और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला जो मामला आया है कि गौतम अडानी और उनके जो दो पार्टनर्स हैं टैंग चुंगलिंग और नासिर अली, ये दो पार्टनर्स के जरिए सारा काम यहाँ पे हो रहा था, ये उसके पेपर ट्रेल उन्होंने निकाली है। दूसरी बात, गौतम अडानी साहब, गौतम अडानी कह रहा हूँ, विनोद अडानी उनके भाई गौतम अडानी के, विनोद अडानी जी कुछ साल पहले यानी मोदी सरकार के आने के बाद शायद 2017 में भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, ताकि उनके ऊपर कोई भारतीय कानून ना लागू हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2014 में ही ये फ्लैग किया था, सूचना दी थी सेबी को, और सेबी को 6000 करोड़ से भी ऊपर का मामला उन्होंने बताया था, साथ में सीडी भी दी थी एक एविडेंस के साथ, वो उसको क्लीन चिट दे दिया सेबी ने। सेबी के अध्यक्ष से यूके सिन्हा साहब कहाँ हैं, वो एनडीटीवी में आ गए, वो एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये पूरा जो, और एनडीटीवी किसका है, अडानी साहब का है, तो ये बड़ा सर्किल कंप्लीट होता है, तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका भी एक मजेदार आपको मैं प्रकरण बता दूं। जो मुझे खबर लगी कि पवार साहब नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी इस मामले को उठाएं, अडानी के मामले को,
तो उन्होंने होटल के अंदर यानी इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म से ना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल प्रमाइसिस में बाहर की तरफ की, अपने मंच पे। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें दोहराई, वो हमारे लोगों ने दोस्तों ने सुन लिया होगा। अब वो पवार साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी, फिर 5 बजे हुई। क्यों 5 बजे हुई कि बीच में उद्धव ठाकरे और पवार साहब आए, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई इसी बारे में कि आप इस पे मत करो, लेकिन राहुल गांधी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना केवल वहां की, इंडिया गठबंधन के अपने भाषण में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिसमें सब लोग थे, वहां पर उन्होंने अडानी का नाम लिया और वो आरोप दोहराए। तो राहुल गांधी इसमें बहुत स्पष्ट हैं और वो मुझे बाद में खड़गे साहब ने भी उसका सपोर्ट किया कि राहुल गांधी ने बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। तो इसलिए, और राहुल गांधी शायद इसको इसलिए कि अंदर वो क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी बार बार 20,000 करोड़ की बात उठाते हैं और उनका इशारा कुछ इस तरफ रहता है कि ये पॉलिटिकल मनी है जो अडानी के रास्ते आई है। अब वो पॉलिटिकल मनी किसकी है, क्या है, वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इसलिए उस पर बहुत इंसिस्ट करते हैं, जो 20,000 करोड़ का मामला है वो किसका है, वो इशारा साफ है। हमने एक लंबा वीडियो किया था मयंक के साथ, हमने इस पूरे मामले को समझने के लिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि अडानी वाला जो पूरा खेल है वो खेल क्या है। तो एक टाइमिंग तो आपने डिफ्यूज़ कर दी कि फाइनेंशियल टाइम्स या गार्जियन की कोई टाइमिंग नहीं हो सकती, वो अलग रूल से खेलते हैं, लेकिन दूसरी टाइमिंग तो पक्की है संसद का खास सेशन बुलाने की। उस टाइमिंग पर तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई शक है कि ये घोषणा उस समय की गई जब इंडिया की तैयारियां जो थी, इनकी बैठक की तैयारियां अपने फुल फ्लेज पर चल रही थी, ताकि अखबार को एक और खबर मिल जाए, टीवी को एक और खबर मिल जाए इस खबर को थोड़ा नीचे धकेलने के लिए। इसके पीछे क्या है, क्या करने वाले हैं वो? हाँ, ये बड़ा रोचक चीज आ गई। एक तो तरीका उसका, मैंने पहली बार देखा कि ट्विटर के जरिए घोषणा हो विशेष सत्र की। प्रोसेस है पार्लियामेंट सेशन बुलाने का, ये सोशल मीडिया के जरिए आया, बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ, क्योंकि सरकार बुलाती है, सरकार तय करती है कब कब बुलाना है, और वो कैबिनेट से अप्रूव होता है, कैबिनेट रिक्वेस्ट भेजता है लोकसभा स्पीकर को, और लोकसभा स्पीकर फॉरवर्ड करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भवन से कम्युनिकेट आता है। ये उसका एक परिपाटी अभी तक रही है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पार्लियामेंट का हिस्सा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बड़ा अजीब लगा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मालूम पड़ा, मैं मुंबई में था उनसे जब ये आया, और बिना किसी एजेंडा के कौन सा बिल आना है, लेजिस्लेटिव बिजनेस क्या है, प्रस्ताव क्या आने हैं, क्यों बुलाया जा रहा है, इसका कोई जिक्र अभी तक नहीं है। अब उसमें मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये प्रतिक्रिया है। पिछली बार भी एनडीए की मीटिंग बुला ली थी। जी जी, तो ये हेडलाइन चुरा लो इंडिया गठबंधन की, न्यूज स्पेस में शेयर कर लो, और उसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत सोचा समझा ये कोई वो कदम है, बहुत जल्दबाजी में एक चीज ली। और मैं कई बार कहता हूँ, एक वीडियो हमने बनाया भी था हम लोगों ने, कि मोदी साहब का क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से गया है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ा गया। पहले आप इंडिया गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हो, फिर कह रहे हो क्या कि घमंडिया या गठबंधन, फिर आप उनका जब मुंबई में बैठक हो रही तो आपने ये ट्वीट करवा दिया, उसके बाद अपने ही मीडिया को जो आपका गुणगान सुबह शाम गाता है उसको एक दे दिया झुंझुना बजाने को कि कॉमन ये वन नेशन वन इलेक्शन। अब मैं सुन रहा था कुछ डिबेट्स और कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरा चर्चा हो रही है, बगैर उस बात को समझे हुए ना बताते हुए कि भाई ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये ओवरनाइट इम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा,
कुछ तो प्रोसीजर होगा ना, ऐसे इस तरह से अगर बदलना है तो कुछ तो उसका प्रोसीजर होगा, कुछ प्रेसिडेंस होगा, थोड़ा बताइए हम लोगों को। देखिए, सुनने देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक देश एक चुनाव, लेकिन और ये हमारे देश में हुए भी हैं, 51-52 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद के इलेक्शन भी हुआ है कल। क्यों उस वक्त नया नया आज़ादी मिली थी, सब असेंबलियाँ नई नई बनी थी और उस वक्त ये चीज़ें आसान थी करना। आज इतने साल बाद असेंबलियों का स्टेट की अपनी एक राजनीति डेवलप हो गई है, उनका एक अपना साइकिल डेवलप हो गया उनके असेंबलीज का और पार्लियामेंट का भी। बीच में मिड टर्म इलेक्शंस भी हुए हैं, कई बार हुए हैं मिड टर्म इलेक्शंस, इंदिरा गांधी ने पहली बार करा दिया था 1970 में, तो लोकसभा भंग कर दी थी। कई बार मिड टर्म इलेक्शंस भी हो चुके हैं, तो अब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहली बात कि आप एक साथ 28 राज्यों के और लोकसभा के चुनाव, मैं लॉजिस्टिकली बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिस्टिकली बात बाद में करूँगा, संवैधानिक रूप से आप कैसे करा पाओगे? क्या आप सारी विधानसभाएं भंग करोगे? तो उसका शेड्यूल कैसे होगा? संवैधानिक जो मान लीजिए कि अगर मैं देखूं कि संवैधानिक जो अड़चने हैं वो क्या आएंगी, तो संवैधानिक अड़चन में बता दूं कि कम से कम आपको 5 अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल 83 जो कि पार्लियामेंट का हाउस का ड्यूरेशन तय करता है संविधान का, आर्टिकल 85 जो पार्लियामेंट के सेशंस का और डिसोल्यूशन का समय तय करता है, और ये बात हम लोग ध्यान रखें कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा या स्टेट असेंबली 6 महीने के गैप के अंदर दूसरा 2 सेशन होंगे ही होंगे, उसी के बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं, तो 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं हो सकता। सस्पेंडेड नहीं कह सकते। है ये। फिर आर्टिकल 172 है जो कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके उनकी ड्यूरेशन तय करने वाला है कि हर 5 साल में 5 साल की असेंबली बनेगी। फिर आर्टिकल 174 है जो पार्लियामेंट के सेशन और डिसोल्यूशन के बारे में सरकार को या राष्ट्रपति को ताकत अधिकार देता है, और इन सब से ऊपर 356 है इमरजेंसी पावर्स, जब आप केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है और असेंबली को भंग करती है। इन इतनी जगह इतने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको करने पड़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको दोनों सदनों को चाहिए। इसका सीधा रिपरकशन क्षेत्रीय पार्टियों को होगा, बीजेडी क्या चाहेगी, मान लीजिए कि बीजेडी, वाईएसआरपी, कांग्रेस या और पार्टियां बीआरएस कोई कोई बिल पे सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या इस बिल पे सपोर्ट करेंगे कि हमारी असेंबली भंग करके वो इलेक्शन करा दो? क्या ये पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अपने डेथ वारंट पे साइन करेंगी? तो एक बात। दूसरी बात, क्योंकि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर भी प्रभावित होगा, स्टेट असेंबलीज का टेन्योर प्रभावित होगा, तो आपको कम से कम 28 राज्य हैं अभी, 28 में से 14 राज्यों की स्टेट असेंबली से मंगवाने पड़ेंगे रेजोल्यूशन पास करवा के इसके पक्ष में। तो ये पूरा प्रोसेस है संवैधानिक संविधान अमेंडमेंट का, ये लगभग 1 साल का प्रोसेस है, ये 2 दिन में नहीं हो जाएगा। जो असेंबली सेशन में होगी वही पास करेगी, ऐसा नहीं होगा कि यहां से कहा जाए कि सारे 28 राज्य अपनी अपनी असेंबली बुलाकर कल सोमवार को जो है ये रेजोल्यूशन पास कर दें, ये ऐसे नहीं होता, तो टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नए राज्य बने, तो नए राज्यों के भी असेंबली से आए अप्रूवल, टाइम लगता है, तो ये 1 साल का कम से कम प्रोसेस। दूसरी बात कि आप क्या केंद्र सरकार इस बात पर राजी हो जाएगी कि वो मिड टर्म इलेक्शन ना करवाए किसी असेंबली में?
राष्ट्रपति शासन ना लागू करे और एक भी साइकिल डिस्टर्ब होगा तो सारा कुछ डिस्टर्ब होगा। क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही आए और सरकार ना गिर जाए? सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं तो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, क्या अगर केंद्र सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में कल को गिरती है किसी की और वो ऐसे कोई चारा नहीं बचता है नई सरकार बनाने का और वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, तो क्या लोकसभा के चुनाव कराने के लिए सब 28 राज्यों की विधानसभा भी डिसॉल्व की जाएंगी? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड संवैधानिक इशू है जिसकी बड़ी पेचीदगियां हैं। संभव है लेकिन ये कि इसका एक शेड्यूल कल्चर पॉलिटिकल सिस्टम संविधान कानून में परिवर्तन करके होगा और ये कई साल का प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात की आप देखिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैसे? आप 2014 के इलेक्शन का मैं एग्जांपल दूं, लोकसभा के साथ उड़ीसा या दो चार और राज्यों के चुनाव साथ में हुए थे 2014 में, 10 फेज में चुनाव हुआ था, 10 चरणों में। आप बिहार और बंगाल चुनाव तो नहीं करा पाते 3 चरणों में भी, आपका 6-6 चरणों में चुनाव होते हैं आपके यहाँ। तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, 2500 पैरामिलिट्री की कंपनियां लगती हैं, 16,00,000 ईवीएम 2019 के इलेक्शन में लगा, तो आपको 2 ईवीएम अगर रखनी है एक स्टेट के लिए और एक लोकसभा के लिए तो 32,00,000 ईवीएम कहाँ से आप अभी मतलब 6 महीने के अंदर ले आओगे? तो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, संवैधानिक इश्यूज हैं, लॉजिकल इश्यूज हैं और ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो क्षेत्रीय पार्टियों के विरुद्ध जाता है। भारत में बहुत डाइवर्स लोकतंत्र डेवलप हुआ है इतने सालों में और वो डाइवर्स लोकतंत्र में एक बड़ी खूबसूरत चीज ये सामने आई है जो फेडरल स्ट्रक्चर को हमारी मजबूती देती है कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई हैं। डीएमके है, शिवसेना है, तृणमूल कांग्रेस है, बीजेडी है, वाईएसआरपी कांग्रेस है, तमाम पार्टियां हैं। ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि इन पार्टियों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि अपने राज्य में वो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ पाए। तो ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा अगर ऐसी सिस्टम आता है तो इसलिए ये कोई मतलब डिबेट आप कर लो, इसमें शिगुफा छोड़ दो, लेकिन ये होने वाली चीज नहीं है। और मुझे भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बना दी गई है, पहली बात की पूर्व राष्ट्रपति के साथ मतलब ये बड़ा अपमानजनक है कि उनको किसी कमेटी में डाल दें आप, जिस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले हम आप इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप देखिए कि आप पूर्व राष्ट्रपति के जो गरिमा है पद की उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि वो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, तो उनका स्टेचर वैसे ही कम हो जाएगा। अच्छा ये मतलब ये एक बहुत ही इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को, उनकी गरिमा को आप एक कमेटी के काम धाम देकर आप वो कर रहे हो कि उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि उसकी आलोचना होगी बात। और अब आप दूसरी बात में मतलब इस मुद्दे का आखिरी बात ये कह दूं कि मुझे नहीं लगता कि जो स्पेशल सेशन है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन जैसी कोई चीज आने वाली है। और मैं फिर से एक बार जो है मजेदार वोट उनका है, क्या कहते हैं एमके स्टालिन का, वो उन्होंने कल वहाँ पे बड़ा मजाक उड़ाया कि वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन फूड। तो
ये चलता नहीं इस डेमोक्रेसी में। तो दरअसल ये आरएसएस का रहा है, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक भाषा। तो वो भाषा पहले संस्कृत थी, फिर उसको बदल के हिंदी कर दिया। तो ये आरएसएस का अपना एक राष्ट्र एक से लेके उनका बहुत लगाव है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरह का होता है, लोकतंत्र जिस तरह का होता है, उसमें एक से काम नहीं चलता, अनेक होते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो बेटर अमंग इक्वल्स माना जाता है मंत्रिमंडल के अंदर, लेकिन वो एक व्यक्ति के शासन का। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रशांत कि दिल में इच्छा जो है वो जो अमेरिका में जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस तरह का कुछ चुनाव करने की मन ही मन में इच्छा है, और एक व्यक्ति आजीवन प्रधानमंत्री रहे ऐसी कुछ व्यवस्था करने का मन में है। देखिए अमेरिका, अमेरिका का एग्जांपल हम दे रहे हैं जरूर कि अमेरिका में, अमेरिका एक बहुत एब्सोल्युटली फेडरल कंट्री है, और वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी वहाँ की केंद्र सरकार नहीं कराती है, वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव राज्य सरकार कराते हैं। उनके अपने अपने अलग शेड्यूल होते हैं, बिल्कुल, उनके अपने अलग इलेक्शन कमीशन हैं, और कोई कोई राज्य तो ऐसे हैं कि जो 6 महीने पहले भी चुनाव करा लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो वहां तो आप कैंपेन भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि वो राज्य, और वहां एक इतनी ट्रांसपेरेंसी है और इतना कमिटमेंट है रूल ऑफ लॉ के प्रति। मुझे पिछला ही चुनाव या पिछला ट्रंप का याद आ रहा है कि पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है जहां पे ट्रंप ने रिकाउंटिंग की वो की अर्जी दी, मांग की है, और वो मांग की कि यहाँ पे रिकाउंटिंग हो, मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो हार रहे थे। पेंसिल्वेनिया स्टेट का जो गवर्नर है वो ट्रंप के द्वारा अपॉइंटेड था, रिपब्लिकन पार्टी का है, और उसने रूलिंग दी कि कोई घपला नहीं हुआ, रिकाउंटिंग नहीं होगी। यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा, ये है, आपको यहां तक जाना है। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन को नहीं कह सकते कि वो पक्षपात नहीं करता है, वहां पे उन्हीं की पार्टी गवर्नर जिसने रूलिंग दिया कि यहाँ पे कोई ऐसा रिकाउंटिंग का मेरिट नहीं बनता है। तो अमेरिका से तुलना करना ठीक नहीं है। अमेरिका में बहुत सारा उनका अलग तरीके का सिस्टम है, फेडरल कंट्री है, हमारा कंट्री पूरा फेडरल नहीं है। बिल्कुल, फेडरल कंट्री बनाना, 50 खत्म कर दीजिए आप, राज्य सरकारों को कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने का जो ताकत है, पावर है, अधिकार है केंद्र सरकार के पास, उसको बंद कर दीजिए। तो हम तो फेडरल कंट्री है नहीं। दूसरा एक इसमें पॉलिटिकल जो मैं बात जो समझ पा रहा हूँ कि अगर इसमें मोदी जी बहुत आगे तक गए, क्योंकि वो क्राइसिस मैनेजमेंट, मोदी जी का मैं अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ कि उनके क्राइसिस मैनेजमेंट में दिक्कतें हैं, वो कल सुबह की हेडलाइन के लिए जीते हैं, परसों और शाम तक भूल जाते हैं, और शाम तक भूल जाते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। तो उन्होंने एनडीए के इंडिया गठबंधन की मीटिंग को के हेडलाइन को चुराने के लिए तो आपने ये कर दिया, आगे की नहीं सोची कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इसका इमीडिएट जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन में देख रहा हूँ अशोक, वो ये देख रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका भी पैन स्टेट फुटप्रिंट है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, या जो जो भी जैसा भी एनडीए भी है, मुझे लगता है कि एनडीए इससे कमजोर होगा अगर इस पर मोदी जी बहुत आगे बढ़ते हैं, और एनडीए के विस्तार में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन करके आप उनके वजूद पे खत्म कर दोगे, तो कौन आएगा। दूसरी बात, आप पार्टी के लोग राजी नहीं होंगे। आप बताइए कि 2024 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, करा दें मोदी जी, तो क्या योगी आदित्यनाथ तैयार होंगे, जिनका इलेक्शन 2027 तक है असेंबली, कि उनकी असेंबली भंग कर दी जाए और चुनाव हो जाए। क्या इनके दूसरे और दल तैयार होंगे। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसमें ऐसी हैं कि जो फिलहाल संभव नहीं लगता। मैं असंभव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत काम करना है, देश में राय बनानी है, और पांच पांच
संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करने हैं, और वो ऐसे परिवर्तन है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल भी आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बेसोचा। तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बातचीत हमारी आज थोड़ी लंबी खिंच गई है, इसको ख़त्म करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपको लगता है? अब बुला ली है तो बुलानी तो पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो एक एक जो मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा, जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं है, कि अक्टूबर के महीने में G20 के पार्लियामेंटेरियंस का एक सम्मेलन हो रहा है। मेरे ख्याल से उसका कोई G20 से संबंधित कुछ प्रस्ताव आएंगे, कुछ ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं उसमें कि जिसमें कि बहुत सरकार को अचीवमेंट जो है सरकार के दिखाए जाएं इलेक्शन से पहले, क्योंकि लेजिस्लेटिव बिजनेस मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा संभव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कमेटी में हैं, बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूँ हम लोग कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी संभावना मुझे बहुत ही नगण लगती है। हालांकि अब ये तो मोदी जी जाने, वो तो कुछ भी करते हैं, लेकिन वो ला के आप उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, वो पड़ा रहेगा, उस पर सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, तमाम मीटिंग होगी, और तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये G20 और खुद की वाहवाही वाला कुछ कुछ प्रस्ताव यहाँ पे आएंगे, और ये कुल मिला के एक जो है टेस्ट बलून जो उन्होंने उड़ाया है, वो बिना किसी बहुत ठोस नतीजों के ये भी वापस आएगा। तो गुब्बारा जब फूटेगा तो देखेंगे गुब्बारे के अंदर से कोई चमत्कार निकलता है, या फिर बच्चों के खेलने वाली कोई चीज़ निकलती है, या कुछ टॉफियां निकलती हैं उनके अपने वोटर्स के लिए। इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें प्रशांत ने की कि इंडिया गठबंधन बहुत कायदे से, बहुत धीरे धीरे, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, और अब आगे इस तरह के सम्मेलन हमें नहीं दिखेंगे, बल्कि वो सीधे जनता के बीच में जाएंगे, सीट शेयरिंग की खबरें आएंगी, और ये भी संभावना है कि कुछ और लोग उनसे जुड़ जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, एक तो उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव साथ में कराने के लिए जितने संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, उन संसाधनों को इकट्ठा करने में वो तर्क अपने आप में ख़त्म हो जाएगा कि इससे पैसों की बड़ी बचत हो जाएगी, चाहे वो इलेक्शन की काउंटिंग हो, चाहे वो इलेक्शन कराने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत हो, या EVMs की ज़रूरत हो, सुरक्षा बलों की ज़रूरत हो। हम देखते हैं कि UP बिहार जैसे राज्यों में 6-6 बार में चुनाव होते हैं, 6-6 टुकड़ों में चुनाव होते हैं, तो पूरे नेशन में जब होना होगा तो वो कितने टुकड़ों में होगा, कितने महीनों तक चलेगा, ये सोच पाना अभी संभव नहीं है। और इसके अलावा प्रशांत ने जरूरी बात ये बताई कि कानूनी उसके बीच में बहुत सारी अड़चने हैं, वैधानिक अड़चने हैं, तो लगता नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मामला सुनने में जो जितना अच्छा लगता है, जमीन पर उतना अच्छा उतर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रशांत ने कही वो ये कि वो मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वेट करते हैं संसद के विशेष सत्र का कि उसमें क्या होता है, और जब हो जाएगा तो हम फिर एक बार बैठेंगे उसको डिस्कस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया प्रशांत।